मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन देकर ज्ञापन सौंपा। केंद्र की अफीम नीति के खिलाफ विरोध करते हुए जहां पीएम को ज्ञापन सौंपा तो वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो मंदसौर में फिर आंदोलन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि हमको अफीम की खेती के लिए लाइसेंस दिया जाता है और मार्फिन आधार पर जो है उन्होंने इस वर्ष 19-20 की जो नीति बनाई है बहुत ही घटिया नीति है। इसी बात को लेकर के ये आंदोलन किया गया है और प्रत्येक किसान को कम से कम 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएँ जो किसानों का मजाक उड़ाया है 5 से 6 आरी दे करके और अफीम का लागत मूल्य के आधार पर 10,000 रुपये का भाव किया जाए, इस बात को लेकर के आंदोलन किया गया है। बिल्कुल सर, सभी संगठन ये अफीम उत्पादक किसान संगठनों का ये है और मुझे राजनीतिक पार्टियों से भी ये कहना है और जो नेता जो है जो अभी ज्ञापन दिए गए हैं मंदसौर और नीमच और अन्य जगहों पर, तो उन सबसे मेरा अनुरोध है कि कहीं नहीं सब मिलकर के अगर जो है एक बड़ा आंदोलन कर 50,000-1,00,000 पब्लिक अगर वहाँ पर हो जाए, हम सब मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि एक ही जगह मिलकर के ज्ञापन। आज मध्य प्रदेश राजस्थान के यहाँ पे अन्नदाता आए थे और सभी की एक ही मांग है कि जो हमारी जो नई अफीम नीति बनी है इसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जो मार्फिन बताई गई है 4.5, अब आप मुझे बताइए किस खेत की मार्फिन कितनी आती है ये कोई नहीं बता सकता। अमृत राम जी और हमने डीएनसी महोदय से एनसी महोदय से इस बारे में चर्चा की थी तो उन्होंने बताया था कि भाई हमको ही नहीं पता क्योंकि प्रत्येक खेत की मार्फिन अलग अलग आती है। हार्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर में मार्फिन को निकाला गया तो उनकी मार्फिन इतनी भी नहीं आई जितनी अन्नदाता के उसकी खेत की आती है। अब आप हमें बताइए कि कौन सा बीज डालें, कौन सी दवाई डालें हम कि हमारी अन्नदाताओं की मार्फिन 4.5 आ जाए, इस बात का हमारा बहुत बड़ा विरोध है। इस प्रकार से एक और बात और आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि जो लागत मूल्य के आधार पर जो भाव है वो हमारा 10,000 रुपये होना चाहिए और जो पोत्र पोत्री जो कि नामांतरण में अलग मानते हैं ये जबकि रक्त समूह में आती है वो उसको भी इसमें लागू करना चाहिए। इन बातों को लेकर के हमारा विरोध है और घटिया पट्टे जो कि इनको 2 साल के पहले इनको 2-3 साल की सज़ा का प्रावधान था उसके बाद इनको दिए जाते थे, परंतु हम इसको देख रहे हैं वर्षों से घटिया पट्टे वाले भी लोगों जो है उनके पट्टे बहाल नहीं हुए। 5 नवंबर को बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अन्नदाताओं को बोलना चाहता हूँ, 5 नवंबर को 10 से 15 हज़ार अन्नदाता नारकोटिक्स कार्यालय नीमच का घेराव करेंगे, चक्काजाम करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम लोग वहाँ पे डटे रहेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने जो मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है मैं ज्ञापन और उनकी मांगे ऊपर पहुंचा दूंगी। दूसरा जो आप कह रहे हैं ऋण माफ़ी का, ये भी मैं इनकी मांग को ऊपर पहुंचा दूंगी। मेरे क्षेत्र अधिकार में राहत का है, मैं उसको करने में पूरी कोशिश राहत कार्य और जो मुआवजा वितरण की कार्रवाई कहाँ तक चली? पशु हानि, जनहानि, मकान क्षति के लगभग 100% प्रकरणों में राशि जा चुकी है। फसल क्षति में हमारे 50% प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। लगभग 20-25 गाँव में तो राशि भी जा चुकी है। हम बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे।